गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकले हैं ज़रा लाहौर की जो सड़कें हैं उन पे घूमने फिरने के लिए, और कुछ चीज़ें भी यहाँ ख़रीदनी थी नर्सरी से। तो सोचा कि साथ साथ जो है ना आपको भी विज़िट करवाती चली जाऊँ। ये देखें कि आज बिल्कुल भी ट्रैफिक जो है उसका फ्लो बहुत ही कम है। रोड जो है ऑलमोस्ट बहुत हल्की फुल्की सी स्लाइड सी ट्रैफिक है और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी जाना है मुझे गुलबर्ग वाली जो नर्सरी है, अहमद गार्डन नर्सरी जो है उस पे जाना है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें वहाँ से ख़रीदनी है। तो वेदर जो है लाहौर का काफ़ी गर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी देखें सरसब्जा हर तरफ, तरोताजगी महसूस होती है जी। देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है और साफ सुथरी सी रोड्स हैं, बहुत ही आला। तो सोचा छोटा सा एक व्लॉग जो है वो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। एक्चुअली मुझे चाहिए था जो मोस्टेरा प्लांट है उसको होल्ड करने के लिए स्टिक चाहिए थी वो, और इसके अलावा जो साइगोनियम प्लांट है उसके लिए भी मुझे जो है ना वो चाहिए चीज़ें। सामने है ये स्टिक ट्रेड सेंटर है और गैलरिया मॉल है साइड पे, और अब भी हम यहाँ से टर्न लेंगे गैलरिया मॉल है ये वाला जो है। और अभी हमने जाना है अहमद गार्डन नर्सरी जो है वहाँ जाना है। देख सकते हैं आप सामने, इधर से हमें लेना होगा टर्न और नर्सरी पे जाने के लिए जी। तो फ्रेंड्स, ये सामने जो है नर्सरी जो है आ गई है, और जिन फ्रेंड्स को नहीं पता मैं बता दूंगी कि कहाँ से आपने उस नर्सरी को सर्च करना है। आप गूगल मैप से भी हेल्प ले सकते हैं इसकी। तो अभी मैं बाकी जो है वो चीज़ें परचेज कर लूँ, तो फिर आपके साथ जो है ना वो मैं शेयर करूँगी जी। तो फ्रेंड्स, नर्सरी के अंदर हम लोग आ चुके हैं और ये वाली स्टिक्स जो हैं ये मुझे चाहिए, और इसके अलावा देखूँगी कोई अगर पॉट्स वगैरह भी हैं तो वो भी मुझे परचेज करने हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे खूबसूरत से जो पॉट्स होते हैं इनके पास होते हैं, और ये लॉन में रखने के लिए देखें कितनी खूबसूरत सी चीज़ें जो हैं यहाँ ये पड़ी हुई हैं। और कुछ ये मुझे चाहिए, ये जो पर्ल होते हैं ये क्या इनको कहते हैं, स्टोन से ये होते हैं पर्ल नहीं सॉरी, इनको ये जो स्टोन होते हैं ये भी मुझे चाहिए, और फर्टिलाइज़र जो है कुछ वो भी मुझे चाहिए। इधर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। ये प्राइस बताइएगा जरा इनकी। ये दो चाहिए ये वाली, आज वो जो बच्चे रखे हुए हैं छुट्टी पे हैं इधर, अच्छा वो उनको पता नहीं हुआ। इसकी क्या प्राइस है इसकी? 100 रुपए। अच्छा, और इससे बड़ा साइज अगर हो जो ये वाला, अच्छा इसकी क्या है? 150। अच्छा ये 150 का नहीं, ये इनाफ है, ये काफ़ी है 150 का, ये ठीक हो गया। एक ये छोटा पीस दो ये दे दें, एक ये कर दें, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए कुछ वो जो पत्थर से नहीं होते जो स्टो वो होते हैं वो वाले पॉट्स में डालने के लिए, किधर हैं वो पड़े हुए?
वाइट चाहिए जी, वाइट चाहिए। अच्छा इधर पड़े हुए हैं, इसे छोटा साइज नहीं है, ये तो काफी बड़ा साइज है, छोटे छोटे जो होती है वो नहीं। ये कितने में क्या? ये वाला जो है मतलब ये पीस के हिसाब से होता है, ये थोड़ा होता है, ये आधा थोड़ा है। अच्छा 300 का, ये 300 का। लेकिन वो तो छोटे छोटे भी होते हैं ना, वो खत्म हो गए, बजरी बजरी जो व्हाइट कलर की होती है, ब्रीक जी जी बिल्कुल, वो भी मिल जाए। हाँ वो दिखाएं जरा, ये तो ज्यादा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया है, काफी अच्छा है यहाँ, और ड्रेसिना पड़ा हुआ है, इसके अलावा एरो एरिया है, और भी कुछ देखते हैं फ्रेंड्स। आज जो है जस्ट हम लोग ईद का फोर्थ वाला डे है। हाँ ये इसमें व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट की है ये, व्हाइट मिल जाएगी लेकिन मोती नहीं है, वो ब्लू है। हाँ ये नहीं है, मिल जाएगी, चलो ये दिखा दिखाएंगे, चले फिलहाल यही कर दें। ये कैसे है ये वाली? ये मिलता है 70 रुपए का बॉल, 70 रुपए का बॉल, चले ये दो बॉल ये कर दें आप, ठीक है। फोर्थ वाला डे है आज ईद का, और रश जो है भी काफ़ी कम है, लेकिन हम लोग जस्ट आउटिंग पे निकले थे तो सोचा कि कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो भी मैं परचेज कर लूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, वैरायटी काफ़ी होती है यहाँ, प्लांट्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। ये कैक्टस जो है ना ये निकालें, 350 रुपए में। अच्छा अच्छा वो 1000 का है, और ये जो है ये 350। अच्छा सही हो गया, वो उसमें तीन लगे हुए इसलिए वो ज्यादा लगे हुए हैं, वो भी 1000 रुपए का। अच्छा अच्छा ये सिंगल जो है बड़े ये भी 1000 रुपए, वो वैरायटी हो। ये कौन सा इसको बोलते क्या है, ये कौन सी वैरायटी है ये वाली? ये वाली हाँ जी, सारे कैक्टस ही हैं, कैक्टस ही हैं। अच्छा चले, इसमें खूबसूरत सा जो ये वाला, जो ये वाला कलर है ना ये रेड वाला, ये निकाले, ये कौन सा है सिंगल में? ये वाला कलर जो है, ये वाला आई थिंक ये कलर जो है, हाँ जी ये निकाल दें, बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट है। नहीं एक ही काफी है इसमें, दोनों में एक ही कलर है, दोनों में कौन सा मर्जी है। अच्छा अच्छा चले, दोनों में से एक दूसरा भाई भी है, वो आज महल छुट्टी पे, उनसे चीजें लेके जाते होते हैं। चलें ठीक है, ये वाला आप रख दो, ठीक नहीं ये वाला रख दो, ये सही है, ठीक है। और एक अच्छा इसकी क्या प्राइस, ये इसको क्या बोल रहे थे, सूरज क्या, ड्रीमन? अच्छा सही, ये कितने का भाई बता रहे हैं? 500 का। नहीं 500 से कम बता रहे थे, उनसे पूछे भाई ये क्या प्राइस बताई थी इसकी? नहीं फाइनल करें ना, कोई 500 कह रहे हैं, कोई 600 कह रहे हैं, उसका 1000 कह रहे हैं, इसका मुनासिब करें इसका। 600 का, 500 का। और ये पॉट क्या है, इसका क्या रेट है ये वाला जो है? ये वाला हाँ जी 700 रुपया एक पॉट का है। अच्छा चलें, और एक वॉल के साथ वो लगाने के लिए होता है वो, जो वो किधर है फ्रेम सा बना होता है दीवारों के साथ ना, दीवार वाला? हाँ जी उसके साथ है कि एक ये है, ये वो पैर नहीं लगे होते एक बालकोनी में, अच्छा उसमें लगाने के लिए, ये दीवार के साथ ये कितने के? टोकरी लगा। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? 800। अच्छा अच्छा सही, चलो ये पकड़े जरा, वो हो गई चीजें, इसके अलावा वो निकाल दिए स्टोन, निकाल दिए वो क्या दो चीजें ये। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो व्लॉग है वो मैं अपना एंड करूंगी, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग आउटिंग पे आए थे, ये भी चीजें होगी। और ये इसका क्या ग्रो बैग का क्या रेट है फाइनल करें जरा, पूछे जल्दी से करें। ये कितना साइज है, 12 का?
अच्छा पता क्या चीज है, इससे बड़ा भी है आज वो ना जी। तो फ्रेंड्स ये चीजें जो है ये हमने खरीद ली हैं और इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि क्या क्या नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वीडियो होगी इसमें मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें परचेज की हैं। तो यहाँ पर जो है अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।